हेलो, मैं अविनाश कुमार LNB डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ देखिए, जो भी स्टूडेंट ICAR का फॉर्म फिल किए थे, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का 10th लेवल पे, ये आपका फॉर्म सिर्फ मैट्रिक लेवल पे आया था, तो उनका यहाँ फाइनली एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आपका कब एग्जाम है इस नोटिस में आपको बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपका नोटिस ओपन हो चुका है। आपका ये फॉर्म 18 दिसंबर को आया था, 18/12/21 को, और ये देखिए आपका एग्जाम शेड्यूल, यहाँ 28 फरवरी को आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और 2, 4 और 5 मार्च तक यहाँ आपका एग्जाम चलेगा। तो यहाँ देखिए, जो भी स्टूडेंट ICAR का फॉर्म फिल किए थे इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का 10th पास पे, उनका यह फाइनली एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको resultbahar.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है, एडमिट कार्ड के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं, नीचे आपको देखिए न्यू अपडेट आया है, ICAR टेक्नीशियन 2021 एग्जाम डेट, इसमें आपका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ICAR टेक्नीशियन 2021 एडमिट कार्ड आपका यहाँ जारी हो गया। नीचे आपका देखिए, 28 दिसंबर को यह फॉर्म आया था और 20 जनवरी आपका लास्ट डेट था इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और यहाँ एग्जाम डेट भी आपको बताया गया है, 28 फरवरी से आपका एग्जाम यहाँ शुरू है और 2, 4, 5 मार्च को ये एग्जाम आपका चलेगा। एडमिट कार्ड आज से आपका लिंक एक्टिव हो गया है, 15 फरवरी से। ये फॉर्म देखिए सिर्फ 10th पास पे आया था, जो भी स्टूडेंट यहाँ 10th पास किए थे जिनका एज मिनिमम 18 साल था इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। ये देखिए, टोटल वैकेंसी आपको 641 पोस्ट के लिए आया था, जिसमें जनरल 286, OBC 133, EWS 61 और SC ST यहाँ देखिए 60 और 693 आपको बताया गया, टोटल 641 पोस्ट। यहाँ PSKL भी आपको यहाँ दिया गया है। एडमिट कार्ड लिंक आपका यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ देखिए, आपका कैंडिडेट लॉग इन यहाँ सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले यूजर आईडी फिल करना है और जो भी आपको पासवर्ड सेंड किया गया था ईमेल और मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ फिल करके ठीक है नीचे कैप्चा फिल करना है और लॉग इन बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए, लॉग इन करते ही आपका एप्लीकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा, जो भी आप फॉर्म फिल किए थे आपका डिटेल यहाँ शो करेगा। यहाँ आपका एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है, चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपका IRE ठीक है 28 फरवरी आपका एग्जाम डेट नीचे बताया गया है, और सबसे आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे यहाँ देखिए एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फाइनली देखिए, आपका ICAR का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, ई प्रवेश पर एडमिट कार्ड आपका ठीक है यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट आपका रहेगा, इसके बाद फादर नेम, पिताजी का नाम, यहाँ आपका देखिए रोल नंबर आपका ठीक है दिया रहेगा, और नीचे आपका जो भी कैटेगरी है ठीक है यहाँ बताया गया, और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे इसके द्वारा देखिए फोटो दिया गया है। इसके नीचे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम और पता आपको बताया गया ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में आपका जो भी देखिए उपस्थित, रिपोर्टिंग टाइम आपका जो भी हो यहाँ ठीक है दिया गया है, और गेट बंद होने का समय आपको बताया गया है। डेट और टाइम ऑफ एग्जाम आपका बताया गया, कब आपका एग्जाम होगा और कितना टाइमिंग आपका है यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए, नीचे आपको प्लीज रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपको दिया गया है, कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश ठीक है ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पढ़ना है। थिंग्स टू बी ब्राउट कंपल्सरी फॉर एडमिशन टू टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ देखिए जो भी कंपल्सरी चीज़ है यहाँ आपको बताया गया, एग्जाम सेंटर पर क्या आपको लाना है। सबसे पहले आपको देखिए प्रिंट कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आपको सेंटर पर ले जाना है। फिर फेस मास्क आपका दिया गया है, पर्सनल सैनिटाइजर ठीक है 50 ml का जो भी आपका रहेगा वो ले लीजिएगा। ओरिजिनल देखिए फोटो आईडी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है ठीक है फोटो के साथ जो भी आपका या डॉक्यूमेंट प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड आप ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन आपको यहाँ ठीक है लेना है, और दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ ठीक है रख लेना है। नीचे आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है ठीक है, आप यहाँ केयरफुली पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए 4th पॉइंट में आपको दिया गया है, परीक्षा के प्रारंभ से आधे घंटे पहले मुख्य गेट को बंद कर दिया जाएगा, परीक्षा में देरी से आने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ देखिए, आप जब परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा, यहाँ आधा घंटा पहले आपका यहाँ परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। 8th पॉइंट में देखिए, फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपका 140.25 मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड, यहाँ आपको दिया गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ देखिए, आपका जो भी आंसर गलती रहेगा यहाँ ठीक है निगेटिव मार्किंग भी होगा। यहाँ देखिए 12th पॉइंट में आपको बताया गया है, अभ्यर्थियों को ये इस ई प्रवेश पत्र जो भी आपका एडमिट कार्ड है उल्लिखित रिपोर्टिंग समय पर अपने आवर्ती परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना होगा, जो कि 1.5 घंटा पहले होगा। तो आपको यहाँ सेंटर पर 1.5 घंटा पहले पहुँचाना है, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिक का कार्य सहजता से किया जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटा पूर्व ठीक है आपका आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा, देरी से आने की यहाँ कोई अनुमति नहीं है। तो यहाँ देखिए, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आपको केयरफुली यहाँ पढ़ लेना है ठीक है, सावधानीपूर्वक आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पढ़ लेना है। इसके नीचे देखिए COVID-19 का आपका गाइडलाइन दिया गया है, इसमें आप COVID-19 का गाइडलाइन देख लीजिएगा। इसके नीचे आपका सेफ
डिक्लेरेशन भी दिया गया है, तो जो भी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है इसको फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है किस तरह से आपका ऑनलाइन एग्जाम का इंस्ट्रक्शन यहाँ होगा। यहाँ देखिए आपको रेट, ठीक है, आपको दो नंबर में दिया गया यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए होंगे तो आपका ये रेड रहेगा, यू हैव आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ये आपका ग्रीन रहेगा। यहाँ देखिए आपका, ठीक है, ब्लू बैगनी कलर में यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट आई मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, ठीक है। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया लेकिन मार्क किया, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखने के लिए। यहाँ देखिए फाइनली आपका इंडियन काउंसिल अगेंस्ट रिसर्च ICAR का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपका यह एग्जाम 28 फरवरी से शुरू किया गया है, तो आपका यहाँ देखिए 2 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और सेंटर पे जो भी आपका आधार कार्ड है उसे लेकर आपको जाना जरूरी है, फोटो और हैंड सैनिटाइजर मार्क्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ऐसी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।